लहरपुर तहसील क्षेत्र के ग्राम मेवा रामनगर में संदिग्ध बुखार के चलते हुई मौतों की खबर दिखाने के बाद ब्लॉक एवं स्वास्थ्य विभाग आया हरकत में। गांव में व्यापक स्तर पर सफाई अभियान चलाकर एंटी लार्वा का छिड़काव किया गया। वहीं संदिग्ध मरीजों की जांच स्वास्थ्य विभाग के मेडिकल टीम के द्वारा की गई। परसेंडी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के डॉक्टर नौशाद अली एवं उनकी टीम के द्वारा गांव के बीमार लोगों की जांच की गई और उन्हें निशुल्क दवाइयां वितरित की गई। इस संबंध में डॉक्टर नौशाद अली ने बताया कि 186 मरीजों के स्वास्थ्य की जाँच की गई है। 52 मरीजों की रैपिड मलेरिया टेस्ट किया गया है एवं 12 संदिग्ध मरीजों की स्लाइड बनाकर जांच हेतु भेजा गया है। खंड विकास अधिकारी राजेश तिवारी ने बताया कि प्रभावित गांव में विशेष साफ सफाई अभियान चलाकर एंटी लार्वा का छिड़काव कराया जा रहा है। क्षेत्र के ग्राम डेंगुरापुर में ग्राम समाज की जगह पर हो रहे मंदिर निर्माण कार्य को सूचना पर प्रशासन ने रुकवाया। कोतवाली क्षेत्र के ग्राम डेंगुरापुर में ग्राम समाज की भूमि पर ग्रामीणों के द्वारा मंदिर निर्माण की सूचना दूसरे पक्ष के ग्रामीणों के द्वारा तहसील प्रशासन को दी गई। सूचना पाकर मौके पर नायब तहसीलदार दिलीप कुमार एवं कोतवाली प्रभारी मुकुल प्रकाश वर्मा ने मौके पर पहुंचकर स्थिति का जांच किए और मंदिर के निर्माण कार्य को रुकवा दिया। ज्ञातव्य है कि इससे पूर्व भी ग्राम समाज की भूमि पर मंदिर का निर्माण कार्य कराया गया था और मंदिर के बगल में ही एक नए मंदिर के निर्माण की सूचना पर मौके पर पहुंचे नायब तहसीलदार दिलीप कुमार एवं कोतवाली प्रभारी मुकुल प्रकाश वर्मा के द्वारा नए मंदिर निर्माण को रोक दिया गया है और निर्माण स्थल पर पुलिस का पहरा लगा दिया गया है। नायब तहसीलदार दिलीप कुमार ने बताया कि सरकारी भूमि पर मंदिर के निर्माण का प्रयास ग्रामीणों के द्वारा किया जा रहा था, जिसकी दूसरे पक्ष की तरफ से सूचना मिली थी और रोक दिया गया है और निर्माण न किए जाए इसके लिए पुलिस फोर्स तैनात कर दिया गया है।